सो हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो स्वागत है सभी का माइनक्राफ्ट के एक और नए एपिसोड में। सो गाइस यार, मुझे पता है बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि यार भाई मैंने कैप पहन रखी, यार कैप भी पहनी एंड मैंने भाई आज ग्लव्स भी पहन रखे, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, मतलब 7 डिग्री हो रहा है यार। एंड भाई आप लोगों को पता है मैं रात को वीडियो वगैरह बनाता हूँ, सो काफी ज्यादा ठंड हो रहा है। बट यहाँ पे तो भाई रात हो चुकी है, यहाँ पे भी रात हो रही है वैसे, यहाँ पे एंड माइनक्राफ्ट के अंदर भी भाई रात हो रही है। सो पहले तो अपन लोग सो जाते हैं, बट मैं तो अभी सो नहीं सकता क्योंकि मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है। सो पहले सो जाते हैं एंड सुबह से अपन लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। एंड गाइस यार आज इस वीडियो में ना हम लोग बनाने वाले हैं भाई स्टीव का स्टैचू। सो आप में से यार लोग, जब मैंने हीरो ब्रांड का स्टैचू बनाया था और मैंने आयरन गोलम का भी स्टैचू बनाया था, मतलब वो आयरन तो नहीं डायमंड गोलम ही हो गए थे। सो उसमें यार आप लोग ने मेरे से बोला था कि भाई तुम अपना जो कैरेक्टर है ना, मतलब स्टीव, उसका भी भाई स्टैचू बनाओ। सो गाइस आज मैं उसी का स्टैचू बनाने वाला हूं। वैसे अपना जो की स्टीव है ना, इसमें तो मैंने स्किन चढ़ा रखी, बट जो ऑफिशियल स्टीव है ना, जो ऑफिशियल है, जो जिसकी फोटो आप लोग पोस्टर वगैरह में देखते हो एंड माइनक्राफ्ट का जो ऑफिशियल हीरो है, सो हम लोग यार उसका आज स्टैचू बनाने वाले हैं। बट हम लोग भाई इस बार डायमंड का स्टैचू नहीं बनेंगे, मतलब पहले नॉर्मल स्टैचू बनेंगे, बट उसके ऊपर जो कोटिंग कह रहा हूँ यार, क्या हद है यार, मतलब उसके ऊपर जो आर्मर वगैरह है ना, मतलब उसकी जो कैप और जो आप लोग इसके ऊपर देख रहे हो, वो सारी की सारी हम लोग डायमंड की ही बनाने वाले हैं। वैसे मैं यार नॉर्मली बना सकता, बट यार देखो नॉर्मल ना बड़ा अजीब सा लगेगा, मतलब नॉर्मल कपड़ों में एंड अगर हम उसको डायमंड का आर्मर और सब चीज़ बना दें, सो काफी ज्यादा प्यारा लगेगा यार। सो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए उस चीज़ के लिए, सबसे पहले चाहिए होंगे भाई प्लैंक्स, एंड प्लैंक अपने पास हमेशा की तरह है नहीं। वाह, है ही नहीं अपने पास प्लैंक हमेशा की तरह। एक बार फिर भी चेकआउट कर लूँगा, क्या पता भाई कहीं से निकल जाए। वैसे मुझे लगता था ओके 64 एक स्टैक अपने पास, ओ भाई है अपने पास इस बार। ओके और क्या चीज़ है मेरे पास, ओके और मेरे पे डायमंड तो खैर है ही काफ़ी सारे, इतने डायमंड से अपना हो जाएगा यार काम। ओके मेरे पे और कुछ भी नहीं है, ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसके और भी प्लैंक बना लेते हैं। अरे भाई इधर रखना है मेरे को। ओ भाई काफ़ी सारे प्लैंक अपने पास बन चुके हैं यार, बहुत सारे बन गए। एंड गाइस एक चीज़ और, मेरे को ना मेरे पास अगर वाइट वाला कुछ होता तो, एक मिनट रुको, वाइट तो अपने पास है नहीं। चलो इसकी हम लोग को एक नहीं थोड़े से रख लेते हैं, मेरे को इसकी आंखें वगैरह बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो इतने में अपना काम चल जाएगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एंड एक चीज़ और यार, मैंने लॉक के सारे बना लिए ना, अब यार मेरे पे वो भी नहीं होंगे अब। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मेरे पे सोल सैंड है, लेकिन सोल सैंड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो मेरे को लग रहा है और प्लैंक लाने, सॉरी प्लैंक का मेरे को ओक चाहिए, जो ब्लैक वाले होते हैं ना वो मेरे को चाहिए होंगे यार, क्योंकि फिर उसी का यार मैं उसके हेयर्स बनाऊंगा। चलो अरे हेयर्स बनाने की हो यार, उसके सर पे तो हम लोग वो बना देंगे ना, सो हेयर्स की तो भाई बनाने की दिक्कत ही नहीं है। वैसे अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो भाई मैं लेकर आ जाऊंगा। एंड आप लोग मेरी एक्सपी देख सकते हो, तो भाई मैं एक बार मर चुका था, सो भाई मेरी एक्सपी सारी की सारी चली गई थी, बट ये 8वीं भाई बड़ी मुश्किल से हुई है। सो अपन लोग भाई उसको ना दूर बनाने वाले हैं, काफ़ी दूर, मतलब इतना ज़्यादा दूर भी नहीं। अपना जो ये कासल आप लोग देख रहे हो ना, जो मैंने यार लास्ट वाले एपिसोड में बनाया था, सो अगर आप लोग ने लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा तो भाई आप लोग जाकर देख सकते हो, आप लोग को चैनल पर मिल जाएगा। एंड अगर कल मैं जीटे का वीडियो डाला था, सो उस पर आप लोगों ने शायद अच्छा सपोर्ट नहीं दिखा, या पता नहीं मेरे को आप लोग शायद वीडियो वगैरह उसकी पसंद नहीं आई, तो कमेंट करके मेरे को आप लोग बताना। मैं सोच रहा हूँ कि जीटे की ना सीरीज को बंद की जाए, मतलब दो माइनक्राफ्ट के एपिसोड एंड एक जीटे का एपिसोड, मतलब बंद नहीं करे जाए, मतलब जीटे का एपिसोड ना थोड़ा कम लाया जाए। सो कमेंट करके मेरे को आप लोग जरूर बताना कि मेरे को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके तो ये मैंने कासल बनाया था एंड इसके मेरे को, मैं सोच रहा हूँ इसके ना बगल में ही बना लूँ, यहाँ पर इधर बिल्कुल, तब एकदम बहुत बहुत प्यारा सा लगेगा एंड काफ़ी ज़्यादा जाइंट हम लोग बनाने वाले हैं उसका स्टैचू। सो मैं ना देखो इसके जस्ट बगल में ही बना लेता हूँ यहाँ पर, सो यहाँ पर मैं इसको बना लेता हूँ। सो अपन लोग को भाई सबसे पहले तो एक मिनट को मैं घास वास हटा दूँ यहाँ थोड़ी सी, एंड डर्ट तो अपने पास है ना, एक मैं यहाँ पर लगा दूँ, पता नहीं क्यों गड्ढा हो रखा है यहाँ पर। ओके सो गाइस हम लोग, अरे ये क्या हुआ, सो गाइस हम लोग को ना देखो सबसे पहले तो भाई डायमंड्स की ही ज़रूरत पड़ने वाली है यार। मैंने उसका एक डेमो के लिए वो देखा, फोटो देखा, ऐसे फोटो देखकर बनाता हूँ पहले आप लोग, तो मेरे दिमाग में ऐसे कोई आइडिया तो चलते नहीं है। सो मैंने एक डेमो फोटो देखी है, सो मेरे को देखो पहले तो यहाँ पे प्लैंक डायमंड के ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे। सो मैं यहाँ पर इसको बनाना स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 9 10, अरे मैंने 10 नहीं 8 मेरे को रखनी है यहाँ पे, मैंने ज़्यादा रख दी भाई, देख रहे फ्लो में कितना तेज निकल जाता। सो 8 मैंने यहाँ पे रख दी है डायमंड के ब्लॉक्स, एंड सिमिलरली हम लोग को देखो इसके इधर भी लगाने हैं भाई डायमंड ही। सो मैं 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 ही अभी हम लोग लगाते हैं। सो हम लोग 2 और लगाते थे, 8 9 और 10, ओके हमने 10 लगा दिए। एंड गाइस एक चीज़ और मेरे से गलती हो गई, अब मैं भाई वहाँ तक जाऊँगा कैसे, चलो मैं अभी इसी को लगा दूँ, बाद में मैं हटा दूँगा। ओके सो आई गेस इतना काफ़ी होगा। सो यार मैं नीचे जाऊँगा कैसे, अब यार ये तो दिक्कत हो गई। सो मुझे लग रहा है वहाँ तक डर्ट लगा के चलते हैं या फिर प्लैंक लगा दूँ मैं, एक काम करता हूँ मैं डर्ट लगा लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि डर्ट आराम से टूट जाती है। ओके सही है, चलो सही है। सो यहाँ पे मैंने डर्ट लगा दिया एंड मैं भी अपने कासल से नीचे उतरूंगा, फिर कासल उससे भी नीचे उतरूंगा तो उतरूंगा कैसे यार मैं मेरे पे वहाँ जगह तो है नहीं, मैंने सीढ़ियाँ तो बनाई नहीं वहाँ पे। ओके सो ऐसे करके अपन लोग उतरते हैं, इसको यहाँ से तोड़ दो, बहुत सही। ओके इसको मैंने तोड़ दिया एंड यहाँ पे तो भाई डर्ट लगेगी नहीं, सो मेरे को उधर तक ऐसे लगा कर जाना पड़ेगा। ओके परफेक्ट, एक यहाँ पे लगा देते हैं, एक इधर, ओके लग जा भाई, ओके लग गई, इसको तोड़ दो,
ओके सो इतने से तो अपन लोग गिर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ भाई बहुत सही। सो मैं इसको इधर रखता हूँ एंड खाना अपन लोग ले लेते हैं। सो मेरे को देखो ना यार, ये जो प्लैंक्स है ना इसकी यार ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादा ज़रूरत अपने को पड़नी नहीं है यार, बहुत कम अपने को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं डर्ट को यहाँ से तोड़ देता हूँ। ओके इससे तो चलो हम लोग बाद में निकाल देंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मेरे को यहाँ पर लगानी है डर्ट, बट उससे पहले मैंने देखो भाई यहाँ पर डर्ट लगाते हुए चढ़ता हूँ यार ऊपर चार एंड में यहाँ पे अब डायमंड के ब्लॉक लगा देता हूँ। ओके बहुत सही, डर्ट को भी हम लोग लगा देते हैं ताकि यार भाई दिक्कत ना हो ना यार बाद में। ओके भाई कोई दिक्कत ही नहीं हुई, देख रहे हो ऐसे दिमाग चलाया करो, वैसे मैं बहुत कम चलाता हूँ। ओके सो ये मैंने भाई इसके पैर बना दिए, आप लोग को पैर थोड़े से इसके अजीब से लग रहे होंगे अभी फिलहाल के लिए। ओके भाई ये तो वो लग रहा है नीदर पोर्टल का, वो नहीं बनाया था मैंने जैसे वहाँ पे कहाँ गया, ये बनाया था मैंने नीदर पोर्टल का, वैसे ही लग रहा है ये तो। बट अभी मैं देखो उसको जब पूरा कंप्लीट करूँगा ना तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। सो मेरे को यहाँ पर भी भाई डायमंड्स लगाने हैं। ओके दो मैंने यहाँ पे लगा दिए ब्लॉक, ठीक है दो ब्लॉक मैंने यहाँ पे लगा दी है। एंड अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक मिनट मैं देख लूँ जरा भाई, नीचे मैंने फोल्डर रखा है। सो मेरे को यहाँ पर एक्चुअली ना देखो हम लोग को ना ये जो ये चीज़ है ना ये और इसका साइड का बॉर्डर वो हम लोग का कोई डार्क वाला जो वूल आता है ना ब्लू कलर का उससे हम लोग को करना था, बट अपने पास अभी उसको अवेलेबल नहीं है। एंड हम लोग को पता भी नहीं भाई ये जो कॉन्क्रीट है ना, सॉरी तो क्वाड ब्लॉक है बट कॉन्क्रीट ब्लॉक आते हैं वो मेरे पे अभी है नहीं, बट एक क्वाड ब्लॉक को भी शायद कलर चेंज हो जाता है बट मेरे को नहीं पता होता है कि नहीं होता है, वैसे आई गेस नहीं होता यार कलर चेंज, जो कॉन्क्रीट होती है उसका कलर चेंज होता है। तो अगर मेरे को यार पता होता कि वो कैसे चेंज होता है मेरे पे अगर कॉन्क्रीट होती तो मैं देखो ब्लू कलर की बना लेता, बट अब अपने पास है नहीं तो भाई क्या कर सकते हैं, यही करना पड़ेगा अपने को। सो मेरे को भाई यहाँ पर ऐसे करके लगाना है, इसको मुझे ऑलमोस्ट पूरा कवर करना है यार। तो जैसे कि आप लोग ने यार देखा होगा, आप लोग स्टीव को देख लेते हैं तो उसकी पैंट आप लोग देख सकते हो भाई साइड साइड में ना एक कोटिंग जैसी बन रखी है। सो वो अपने को भाई करना अभी पता नहीं आएगा नहीं आएगा, मेरे पे कुछ है नहीं, भी देखते हैं अगर कुछ मेरे को मिलता है। वैसे ब्लू कलर का तो आएगा कुछ होगा नहीं, वूल ही होगा ब्लू कलर का अगर होना चाहिए तो। सो कोई दिक्कत नहीं अपन लोग अभी यही करते हैं, देखते हैं कुछ जुगाड़ करेंगे यार क्या कर सकते हैं। और सो यहाँ से मेरे को नॉर्मली कवर करना है इसको पूरा पहले अच्छी तरीके से, तो बट साइड साइड में अगर वो होगा ना तो मज़ा ही आ जाएगा यार लिटरली। ओके सो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अच्छे से। ओके गाइस सो मैंने यार देखो भाई यहाँ पे अपनी सारी की सारी चेस्ट देखी ना, सो मेरी क्या देखो उसमें ब्लू डाई मिल गई। एंड मैं सोच रहा हूँ ये जो ब्लू वूल है ना कहाँ गया, अबे अभी तो यहीं कहीं था आसपास। एक मिनट रुको, वूल ओके तीन वूल है अपने पास एंड यहाँ पे तो बेड वगैरह है। सो मैं सोच रहा हूँ ना इसका देखो ये जो लाइट सॉरी डार्क कलर का जो बन जाता है ना, एक मिनट रुको इसको ऐसे रखना है एंड इसको आई गेस ऐसे रखना होता है। हाँ देखो सो ये देखो ब्लू कलर का वूल बन चुका है। सो ये अभी तीन बने बट मेरे पे देखो 30 वूल है, 30 से आई गेस काम चल जाना चाहिए। और बाकी मेरे को वूल कलेक्ट करने पड़ेगा, न्यू रेसिपी अनलॉक हो चुकी है अपनी, बट उससे पहले अपने को भाई सोना पड़ेगा क्योंकि भाई सोना अरे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम लोग नहीं सोएंगे तो भाई काम कैसे होगा, कैसे चलेगा भाई काम। सो मैं यहाँ पे पहले तो भाई सो जाता हूँ भाई। ओके सो मैं यहाँ पे सो चुका हूँ एंड अब मेरे को क्या करना है, मेरे को भाई अब वूल कलेक्ट करना है। ओके सुबह भी हो चुकी है सो अपन लोग वहीं से चलते हैं। सो मेरे को अब वूल कलेक्ट करना है, पहले मैं एक बार चेस्ट में देख लेता हूँ अगर मेरे पे वूल होगा सो भाई मैं वूल वहाँ पे ले लूँगा, एंड अगर नहीं होता तब तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन ही नहीं हम लोग को भाई, शीप देखनी पड़ेगी। सो एक मिनट रुको, ये तो नीदर क्वाड है, एक मिनट रुको मैं ना वाइट कॉन्क्रीट वो देखता हूँ जरा, क्वाड ब्लॉक क्वाड ब्लॉक। ओके तो लग रहा है अरे यार ये तो क्वाड ब्लॉक्स हैं सारे के सारे। सो ये तो नीदर क्वाड से बनते हैं, बट एक मिनट रुको क्या हो रहा है। अच्छा सो ब्लू कलर की मैं एक चीज़ देखूँ जरा क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं ब्लू से, अरे यार ये तो सब चीज़ है नहीं अपने पास। सो मेरे को यार भाई शीप वगैरह देखनी पड़ेगी एंड एक मिनट रुको मैं शीप देखता हूँ, यहीं कहीं आसपास ही घूमती रहती है भाई शीप भी। सो मैं देखता हूँ भाई उनका वूल कलेक्ट करता हूँ। ओके सो यहाँ तो कहीं मेरे को दिख नहीं रही यार शीप, कोई दिक्कत नहीं मैं कलेक्ट करता हूँ यार, अब क्या कर सकते हैं कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। ओके गाइस सामने मेरे को शीप दिख रही है, बट सामने तो भाई खतरा है, हम लोग ऐसे जंप नहीं कर सकते यहाँ से, कर सकते हैं वैसे अपन लोग ने भाई डायमंड के वो पहन रखा है आर्मर जूते। ओके ज़्यादा कुछ नहीं अपने को, एक मेरे को शीप दिख रही है, अरे यार उसको मारना पड़ेगा यार, मैं वो लेके नहीं आया अपने साथ, शेट यार अब ये क्या हो गया, वाइट वाइट की तो अपने को ज़रूरत ही नहीं है। सो एक शीप अगर मेरे को एक और दिख जाए तो मैं भाई इनकी ब्रीडिंग करा दूंगा यार, बट मेरे को एक और दिख ही नहीं रही है। ओके सो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं एक और शीप ढूंढता हूँ, जब यहाँ पे एक है ना तो यहाँ पे और भी शीप होंगी यार आसपास कहीं पे, कहीं ना कहीं तो अपने को दिखी जाएंगी शीप। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं शीप वगैरह और देख लेता हूँ एंड मैं उसके बाद आप लोग को मिलता हूँ, एंड वूल कलेक्ट करने के बाद आप लोग को मिलता हूँ, क्योंकि यार ऐसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा यार। सो देखते हैं भाई, अरे अरे भाई ओके कहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। एंड गाइस मैंने एक काम करा ना, मैंने देखो यहाँ पे एक शीप जो थी ना यहाँ पे ऑलरेडी जो घूम रही थी, सो मैंने यार देखो उसको तो भाई यहीं पर मैंने टेम करके ना अंदर इसके फिट कर दिया, मतलब फिट किया फेंस में लेकर आ गया था, एंड मैंने इनको देखो अंदर ही भाई अंदर रख दिया। एंड गाइस मैंने एक और शीप को भाई ढूंढा एंड मैं उसको टेम करके भाई यहाँ तक लेकर आया, एंड मैंने इनकी काफ़ी ज़्यादा ब्रीडिंग करवा दी। सो मेरे को इनसे 20 वूल मिल चुका है, एंड ये देखो भाई यही है ना, मैं इनको देखो भाई वो काटते रह रहा हूँ ऐसे करके, ये सब चीज़ मैंने इसको भी बना लिया था। अरे भैया कटले भाई कटले, इसका बेबी है एक छोटा सा,
अभी मैंने इनकी ब्रीडिंग वगैरह काफ़ी करा दी है। अच्छा ये देता नहीं है क्या? सो मैं भाई अंदर घुसता हूँ पहले, तो एक मिनट रुको ज़रा। ओके अरे 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 भाई जाओ कट जाओ कट जाओ कट जाओ। ओके सो अरे भाई हो जा। ओके सो इतना इन लोगों ने मेरे को फूल दिया, तुम भी दे दो। अबे बच्चे, अच्छा ये बच्चे है ना अभी तो। सो मैं अभी तो भाई चलता हूँ बाहर। नहीं 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 अरे यार बाहर नहीं, बाहर नहीं, एक ही बाहर निकल गई। चल निकल अभी तो मरेगी देख। सो अपने पास 43 वूल हो चुका है। अरे भाई कहाँ फेंक दिया मैंने। सो अपने पास है देखो 43 वूल हो चुका है। एंड अब मेरे को भाई जाना है भाई सीधा उधर। एंड पे देखो जितना भी था ना मेरे पे कितनी 30 आई थी। सो चलो इनफ है भाई, 30 अपने पास वूल हो जाता तो काम बन जाएगा अपना। बाकी चलते हैं वापस से। एंड यहाँ पे मैंने भाई इनका वो बना रखा है, इनको ना मैं एक काम करूँगा वहाँ से पकड़ के ना अपने यहाँ घर में ले आऊँगा। एंड इसके अंदर तो भाई काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बी वगैरह बहुत सारे होंगे, लिटरली बहुत सारे ज़ॉम्बी होंगे, बहुत सारे। कोई है क्या? वो देखो मकड़ी देखो, आ गई आ गई आ गई मकड़ी। कहाँ से आएगी? ऊपर से आ जाएगी लग रहा है ये तो, फिर नहीं आ पाएगी। सो एक बार ये अपन लोग भाई अपने जो ये फार्म बनाया था ना मैंने भाई एक्सपी फार्म, इसमें नज़र डाल लेते हैं। ओहो एक आ रखा है, गया। एरोज से हमें मिल चुके हैं। और कोई है क्या भाई? मैं तो यहाँ पे जाता ही नहीं हुआ लिटरली। अगर मैं एक रात पूरा जग गया ना भाई मेरी एक्सपी बहुत हो जाएगी एक्सपी फार्म से, बट क्या कर सकते यार अपने पास टाइम ही नहीं है। और अरे अरे कहाँ जा रही हूँ यार, मेरे को पहले तो भाई डाई बनानी है ब्लैक, सॉरी ब्लू कलर की जो होती है, तो उसी को बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लग गया यार, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उसको बनाने में। तो चलते हैं। एंड यहाँ कहीं पे एंडरमैन घूमने में लगा हुआ था। एंड मैंने कैप पहन रखी इसलिए भाई इग्नोर करना इसको तो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है यार। सो भाई इसलिए मैंने कैप को उतारा ही नहीं है यार। ओके सो ये दो दो क्राफ्टिंग टेबल लगे हैं, इसमें से किसी पे भी हम लोग बना लेते हैं। सो मेरे को वूल यहाँ पे रखना है एंड ब्लैक डाई, सॉरी ब्लू डाई यहाँ पे रखनी है। तो 33 अपने पास हो चुका है, बट अपने पास और तो भाई डाई है नहीं। एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ, अपने पास नहीं है डाई, मुश्किल ही है भाई। और अपने पास मिल जाए तो प्रिंट है। ओके मेरे पे और नहीं है, है ही नहीं मेरे पे, नहीं है। ये तो नीदर का सामान है सारा का सारा, मैग्मा ब्लॉक वगैरह और जो जो कुछ भी है, एरो और ये फ्लिंट वगैरह। तो चलो अपने पास नहीं है, सब लोग चलते हैं। एंड मेरे को और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, मेरे को ज़रूरत पड़ेगी भाई ओक की, जो मेरे पे बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट मैं एक काम करता हूँ ना, सोल सॉइल ले जाता हूँ। अरे आ जा, हाँ सोल सॉइल में लेकर चली गई, क्योंकि यार क्या पता भाई अपने काम आ जाए। एक बार मैं ट्राई कर लूँगा इसको लगा कर, अगर अच्छी लगेगी तो भाई वही रहने दूंगा, अगर अच्छी नहीं लगेगी तो भाई फिर अपने ये जो ओक है ये जिंदाबाद भाई, अपने ओक अपन लोग लगा देंगे। तो वहाँ पर मैंने बनाया था, देखो कितना ज़्यादा बेकार लग रहा है अभी, बट अब मैं देखो उसको भूल को लगा दूंगा ना तब भाई काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगने वाला है यार। तो लगाते हैं भाई चलकर एंड देखते हैं भाई कैसा लग रहा है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनने वाला है यार, बहुत ज़्यादा बड़ा। और अभी इसके सिर्फ पैर ही पैर हैं, देखो कासल के बराबर पहुँच गए मेरे। सो मेरे को यहाँ साइड से तोड़ने पड़ेगा। एंड मेरे को भाई साइड से तोड़ के ना मेरे को ऊपर तक इसका भूल लगाना है। ओके अगर मेरे को फूल की कमी पड़ेगी तो भाई मैं और ले लूँगा। वैसे मेरे पे ब्लू डाई नहीं, चलो ब्लू डाई तो अपन लोग ढूंढ लेंगे यार, क्योंकि जो फ्लावर होते हैं ना ब्लू कलर के वो तो भाई यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं मेरे को मिल जाएंगे। ओके इसको मैं तोड़ता हूँ, बाकी अपन लोग फूल लगा के ऊपर चढ़ जाएगी यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टूट जा भाई, टूट जा। अरे ओके टूट चुका है। सो अपन लोग प्लैंक इधर रखते हैं एंड वूल को इधर रखते हैं और ऊपर को चढ़ते हैं। भाई वूल ऐसा लगता है कि इतना हल्का सा है। ओके इतना ही जाएगा, सो इसको अपन लोग तोड़ देते हैं। ओके इसको भी तोड़ दिया, 3। ओके बहुत सही, 1 2 3 4 5। ओके सो मेरे को अब यहाँ पर भी भाई वूल लगाना है। सो मैं भाई वूल लगाता हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी से। ओके लाइन से मेरे को लगाना है भाई वूल, इसको मैं तोड़ के वूल फिट कर देता हूँ यहाँ पे, फिट कर देता हूँ यार वूल लगा देता हूँ जल्दी से। ऑलराइट गाइस, मेरे पे देखो यहाँ पे वूल खत्म हो चुका है, मतलब जो ब्लू कलर का वूल था भाई पूरा खत्म हो गया यार। सो मेरे को यार ब्लू कलर के और मेरे को डाई ढूंढनी पड़ेगी, वरना तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी यार, क्योंकि आधा आधा का मामला हमारा अटक जाएगा वरना बीच में। एंड रात भी हो चुकी है, मैं जल्दी से भाई घर की तरफ भागता हूँ, पहले खाना वगैरह खाते हैं। कोई है तो नहीं ना भाई, ऐसी रात हो रखी है ना खतरनाक, बिल्कुल काला अंधेरा हो जाता है यार यहाँ पे तो। ओके सो चलते हैं। एंड अपना भाई फार्म है। ओके कहाँ गया रास्ता यार? अरे भाई मेरे को रास्ता तक नहीं दिख रहा है लिटरली। ओके 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 गाइस, तो एक एंडरमैन भाई यहाँ पर घूमता रहे, तो मैं सोच रहा हूँ आज इससे फाइट ली जाए, ले लूँ क्या फाइट इससे? आ जा, कहाँ है? गया गया गया, अब तो मरेगा तू। गया गया गया, कहाँ है कहाँ है? आ जा। कहाँ गया? गया भाई गया। एक एंडरमैन मैंने मार दिया भाई, अपने को क्या मिला? अबे इससे आंकड़ी मिली उसकी। अबे यार एंडर आई तो मिली नहीं इससे। अबे यार लग रहा है ये भी कंगाल था, तभी इधर उधर भटक रहा था ये। इसके बाद लग रहा है एंडर आई खत्म हो गई होगी। एंड मेरी भाई हेल्थ काफ़ी ज़्यादा जा चुकी है, तो मैं अपनी हेल्थ बढ़ा लूँ भाई पहले तो। एंड गाइस अब अपन लोग करना भाई देखो वो ढूंढना पड़ेगा जो कि ब्लू डाई होती है। सो ब्लू डाई ना मेरे को देखो इस साइड मिलने वाली है या फिर इस साइड शायद मिले।
ओके, ये ब्लू कलर के हैं तो सही यार। अबे यार मुंह के आगे लगे हैं भाई ब्लू कलर के फ्लावर्स, इसको मैं जल्दी से भाई तोड़ कर लेकर आता हूँ यार, एंड फिर ब्लू डाई बना लेते हैं पर लोग, काफ़ी सारे मेरे को मिल जाएंगे यार यहाँ पे। ओके सो मैं भाई बना लेता हूँ इसको जल्दी से। ओके अरे टूट जा भाई टूट जा, बहुत सारे मेरे को मिलने वाले हैं भाई यहाँ पे, तो लाइन से जितने मिल रहे भाई उतने ले लेता हूँ मैं, काफ़ी सारे हैं वैसे यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा भाई टाइम हो चुका है यार, ठीक है। मेरे पास देखो भाई इतना सारा बने वूल कलेक्ट कर लिया ना, मतलब मेरे को यार काफ़ी ज़्यादा, मेरे को देखो वहाँ पे जो मिली थी ना ब्लू कलर की जो डाई थी, सो मेरे को ना इसके सीधे सीधे एंड मेरे को इस साइड भी जाना पड़ा, क्योंकि यार मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा उसकी डाई की ज़रूरत थी एंड वो मेरे को मिल नहीं रही थी यार, सो मैं भाई काफ़ी ज़्यादा दूर तक निकल गया था। अरे भाई ब्लैक ब्लैक डाई अपने को मिल गई, कहाँ गई, इंक सैक, सॉरी ब्लैक डाई कह रहा हूँ, इंक सैक। सो अपने को देखो काफ़ी सारे अपने पास वूल हो चुके हैं, सो मैं अब आप लोग को दिखाऊँ ना भाई, देख रहे हो दो स्टैक मैंने यहाँ पे वूल कर लिया, एंड मैंने देखो शीप जो है ना, शीप को मैंने और ज़्यादा ब्रीडिंग करवाई, एंड मैंने भाई थोड़ा वेट किया, फिर उनके बाल वगैरह गुने का वेट किया, एंड फिर मैंने उसके बाद भाई उन लोग को उनका ये वूल कलेक्ट किया है। ओके सो अब काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, तो अब अपने पास इनफ वूल हो चुका है, इतने में अपना काम चल जाएगा यार। सो मेरे को क्या करना है, मेरे को देखो दो यहाँ पे लगाने बीचों बीच इसके, सो मैं पहले तो नीचे का डिज़ाइन यहाँ पर बना लेता हूँ। ओके एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ओके परफेक्ट। सो ये इसके शूज़ बन गए, जैसे कि यार आप लोग देख सकते हो इसके शूज़ में अगर आप लोग नज़र डालो ना, ये ट्रेडर हर जगह पहुंच जाता है, ये हर जगह पहुंच जाता है। वैसे मैं इससे वूल खरीद सकता था बट मेरे पे एमेरल्ड नहीं है, मतलब है लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है यार। सो मेरे को दो ब्लॉक यहाँ छोड़ के यहाँ पर मेरे को लगाना है, सो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से तोड़ता हूँ। ओके एक यहाँ से एक यहाँ से एक इधर एंड एक इधर, परफेक्ट। सिमिलरली मेरे को यहाँ से भी तोड़ना है, एंड मेरे को ना बीच में से देखो दो ब्लॉक और तोड़ने हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे। ओके एक इधर लगाना है मेरे को, एक इधर इधर इधर। अरे अरे इसको देखो इसको देखो, अरे अरे भाई आ जा तू आ जा, अरे यार आ जा। ओके आ गया ये, मैं इसको तोड़ देता हूँ, ये चलो तोड़ते क्यों है, इसको लगा देते ना, परफेक्ट। सो अब मैं आप लोग एक बार दिखा देता हूँ भाई पीछे की साइड से। ओके आप लोग को भाई अभी थोड़ा सा यार अजीब लग रहा है, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। सो मेरे को क्या करना है, इसको ना पूरी लाइन वहाँ तक बनानी है, सो मैं भाई जल्दी जल्दी से काम करता हूँ चालू। डर्ट को रख लो इधर, ओके ओके परफेक्टली अपना काम हो चुका है, एंड अब मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं करना है अब। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना देखो इसको ऊपर का एरिया बना देता हूँ। ओके सो ये तो मैंने देखो इसको ऊपर का एरिया बना दिया था, एंड अब मेरे को इसके ऊपर देखो क्या करना है, मेरे को ना इसके ऊपर क्या बोलते हैं जो बीच का ये वाला पार्ट है ना, मतलब एक मिनट रुको, एक दो यहाँ से, यहाँ से मेरे को और लगाना है फूल, एक मिनट रुको, अरे भाई कहाँ गया, एक दो तीन, ओके तीन मेरे को लगाना है, नहीं चार लगाने मेरे को यहाँ पे, ठीक है चार का काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा। एंड अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ना फूल देखो और लगाना है इधर और इधर, बट मेरे को यहाँ नहीं लगाना था, मैंने फालतू में हटा दिया। ओके एक मैं यहाँ से हटा देता हूँ, परफेक्ट। एंड यहाँ पे मैं डर्ट लगा फिलहाल के लिए ऊपर चढ़ जाता हूँ, बाकी मेरे को ऊपर अभी चढ़ना नहीं है, एक यहाँ पे लगाना है, एंड यहाँ से मैं भाई डर्ट को तोड़ देता हूँ, बहुत सही डर्ट अपन लोग बाद में कलेक्ट कर लेंगे। अरे 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 ओ भाई भी नीचे गिर जाता, दिक्कत हो जाएगी यार नीचे गिर गया तो। सो मेरे को अब क्या करना है, मेरे को यहाँ पर लगाना है भाई डायमंड ब्लॉक, डायमंड ब्लॉक कहाँ गए अपने, ओके ये रहे भाई डायमंड ब्लॉक्स, परफेक्ट। एंड सिमिलर वे में मेरे को यहाँ पर भी लगाना है, एक इधर बस भी अपना काम यहाँ पे हो चुका है, एंड अब अपनों को क्या करना है, एक एक यहाँ पे भी लगाना है। ओके इतना काम हो चुका है, एंड अपनों को भाई बीच में भी लगाना है, मतलब जो बीच का एरिया है ना उसमें हम लोग को डायमंड ही डायमंड लगाना है यार, क्योंकि बीच का एरिया भी देखो वो वाला एरिया आएगा जो कि चेस्ट में नहीं होता। अब हम लोग को उंगली कैसे दिखाऊँ कैसे यार। ओके यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है, एंड एक बार मैं नीचे चलकर देखता हूँ यार इसका ऊपर का स्ट्रक्चर मैं बना लेता हूँ यार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला भाई इसका स्ट्रक्चर बनाने में। तो मैं नीचे कहाँ से आया था, ओके ये रहा भाई रास्ता, ओके सो भाई इतना बन चुका है अपना, मैं एक बार दूर चलता हूँ, थोड़ा सा दूर चलकर देखते हैं ताकि अच्छा लगे यार अपनों को। चलो 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 चलो, ओके ओके काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है वैसे अभी तो। ओके इसका नीचे वाला एरिया हो चुका है, एंड मेरे को क्या करना है, मेरे को ओके एक मिनट रुको मेरे को देख लेने तो पहले अच्छे। सो मेरे को ना देखो इसकी ये तो मैंने पैंट बना दिया, मैंने मेरे को इसकी चेस्ट बनानी है, एंड मेरे को इसके हाथ बनाने इस साइड में। सो मैं इतना काम करता हूँ भाई जल्दी से पहले तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भाई टाइम लगने वाला है इसमें। ओके सो करते हैं भाई इतना काम जल्दी से। ओके अबे कहाँ चढ़ा हुआ है तू, चल निकल।
ऑलराइट गाइस, ये तो मैंने देखो काफी सारा भाई यहाँ पर काम कर लिया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई मैं कितनी ज्यादा ऊपर खड़ा हूँ यार, बहुत ही ज्यादा मैं ऊपर खड़ा हूँ। तो आप लोग साइड में इसके देखो एक मिनट को, पहले ना आप लोग एक बार नीचे चलकर मैं आप लोग को अच्छे से दिखाता हूँ यार। एक तो मैंने डर्ट यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लगा रखी है ना खतरनाक तरीके से बिल्कुल। एक मिनट को, यहाँ पे सीधी लगी है क्या? ओ अरे भाई, तो यहाँ पे सीधी लगी हुई थी वरना मेरी मौत हो जाएगी। ओके चलो सही है, तो यहाँ से आप लोग चलते हैं भाई डर्ट डर्ट निकाल कर। वैसे मैंने डर्ट वहाँ से भी हटा देनी चाहिए थी यार, तब आप लोग को अच्छे से दिखाई देगा। सो मैं एक बार पहले पीछे की साइड चले जाता हूँ एंड बस इसके यार इसका नाम देखो यार हेड बनाना बाकी है यार, बस मैं इसका हेड बना लूँगा ना तो भाई इसका काम पूरा हो जाएगा। सो मैं यहाँ से भाई आप लोग को दिखाता हूँ। सो ये क्या लग रहा है ये? सो अगर आप लोग ये डर्ट पर ध्यान ना दो, ठीक है, डर्ट पर अगर आप लोग ध्यान ना दो, सो आप लोग यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर ना मैंने देखो जो ओक आता है ना, ओक को यार मैंने जो इससे एक्स से ना छील लिया है। क्योंकि यार देखो भाई मैंने यहाँ पे प्लैंक लगा कर देखा ना, ये वाले प्लैंक, सो ये वाले प्लैंक में भाई इतना मज़ा नहीं आ रहा था, बड़े अजीब से लग रहे थे। सो मैंने भाई इसको यहाँ पे छील दिया है एंड मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया। मतलब आप लोग देखते हो मैंने व्हाइट कंक्रीट का भी यूज़ किया, मतलब जो क्वार्ट ब्लॉक्स होते हैं, सो मैंने उसका भी यहाँ पे यूज़ कर लिया है एंड काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई इसका। ये नीचे का एरिया, ये इसके हाथ हो गए और मैंने चेस्ट प्लेट वगैरह अच्छे से ये हो चुकी है। मतलब मैंने पूरी पूरी कोशिश करी भाई एक्जैक्टली वैसा बनाने की, बट अपने पास देखो ये जो वूल है ना, जो ब्लू डाई है, सो जो लाइट ब्लू डाई आती है ना, वो अगर अपने पास होती ना तो भाई कसम से काफ़ी ज़्यादा प्यारा इसका डिज़ाइन बनता, बट अपने पास अभी है नहीं अवेलेबल। सो भाई क्या कर सकते हैं, इसी का हम लोग यूज़ कर लिया है और बाकी हाथ वगैरह बन चुके हैं। बस अब इसका ना देखो हेड बनाना है, बट हेड बनाने के लिए मेरे को एक मिनट, सोल सैंड तो अपने पास काफ़ी सारी है नहीं। सो मैं एक काम करता हूँ भाई, जितनी मेरे पे है ना मैं उतने से पहले एक बार ट्राई करता हूँ बनाने की। पहले अपन लोग भाई उधर उधर को ही चलते हैं यार, ऊपर चढ़ना पड़ेगा पहले मेरे को एंड मेरे को हेड का भी डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। एंड ये कौन है? अबे यार ट्रेडर, ये क्या है इनके लामा लोग। सो मैं यहीं से भाई डर्ट को लगा देता हूँ, पहले खाना खा लो फिर अपन लोग डर्ट को लगा कर ऊपर को चढ़ते हैं। ओके ऊपर को चलते हैं एंड ऊपर चलकर देखते हैं भाई अब कैसा इसका हेड बनेगा। बाकी हेड बनाने में थोड़ी सी दिक्कत मेरे को होगी यार, बट अब क्या कर सकते हैं यार, बनाना तो पड़ेगा यार। मेरे पे डर्ट भी ख़त्म हो जाएगी लग रहा है, फिर डर्ट खत्म नहीं हुई। सो मेरे को हेड बनाने के लिए ना, ये जो आप लोग ये वाला एरिया देख रहे हो ना, मतलब मेरे को क्या करना है, एक मिनट को मैंने यहाँ पे नज़र डाल लेता हूँ। सो ये वाला जो वाइट वाला एरिया है, मेरे को इसका एक छोड़कर यहाँ से मेरे को लगाना है यार, यहाँ से मेरे को बनाना है। सो मेरे को यहाँ पे लगानी पड़ेगी ये वाली स्ट्रिप जो मैं लाया था, एक यहाँ पे लगा दो एंड एक एक यहाँ पे मैं लगा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, मैं लगा देता हूँ एक उसके लिए। ओके यहाँ तक मैंने लगा दिया एंड मेरे को इसको ऊपर तक लेकर जाना है एक दो, एंड मेरे को सिमिलर वे में यहाँ पर भी लगाने। एक मिनट गलत लग गया ये, एक मिनट को ना मैं इसको तोड़ता हूँ पहले, तो उसको भी तो अरे नीचे गिर जाएगा। अरे यार एक डर्ट यहाँ पे लगा ताकि वो सीधे सीधे में लगे। हाँ बहुत सही, सिमिलर वे में मेरे को ऐसे करके लगाना है। ओके एक एक यहाँ पर भी मेरे लगाते हुए चलता हूँ यार, जब लगा रहा हूँ तो साथ साथ लगाते हुए चलो ना। ओके एक मेरे को डर्ट लगानी है भाई इधर, एक मिनट इधर लग जाए। हाँ बहुत सही, इसको तोड़ दो यहाँ से एंड शाम भी हो चुकी है, एक दो तीन, ओके परफेक्ट। मेरे पे और है, हाँ 34 और है, मेरे को और इसकी शायद ज़रूरत पड़े यार, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि मेरे को ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बट अभी फिलहाल के लिए मैं लगा देता हूँ। ओके आगे मैं इसलिए लगा क्योंकि आगे यार इसका देखो जो दाढ़ी मूछ होती है ना भाई, आगे वो लगेगी। ओके सो अब मेरे को भाई भगना पड़ेगा घर की तरफ, वरना तो भाई दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सो मैं यहाँ से चलता हूँ, अरे अरे ओ ओ बच के बच के बच के भाई, पीपल नीचे गिर जाते भाई, रात हो चुकी है। सो मैं आप लोग से ये वाला काम खत्म करने के बाद ही मिलता हूँ यार, ठीक है। ओ अरे भाई भाई देख रहे हो कितनी ऊपर से अपन लोग गिरे। सो मैं पहले तो खाना वगैरह खाता हूँ एंड चलते हैं भाई, अरे चलते हैं पहले सो कर रहा था एंड मैं आप लोग से सुबह मिलता हूँ इसका फेस बनाने के बाद। अरे अरे भाई ऑलराइट गाइस, सो अपना देखो सारा का सारा भाई यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका। अरे भाई ये अभी तक घूम रहे हैं, अच्छा मैं देखूँ जरा बेच क्या रहा है ये। ओहो भाई अपने को चाहिए नहीं यार। सो मैं एक काम करता हूँ, बस मेरा छोटा सा बस एक काम बचा है, सो मैं इसको यहाँ से तोड़ो इसको। ओके एक मैं यहाँ पर लगाता हूँ एंड एक मेरे को यहाँ पर तोड़ना है, बस ये लास्ट काम यार, बाकी मैंने सब कुछ यहाँ पर बना दिया एंड भाई कसम से मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई यार बनाने में। अरे अरे हड्डी, अबे यार ये भी कहीं पर भी आ जाता यार, कहीं पर भी। कहाँ गया हड्डी? आजा मार मार मार, निकल अब, ए तू भी खा, तू भी खाएगा, चल निकल बस भाई बहुत सही। एंड गाइस एक चीज़ हो रही है, मैं देखो कल ना रात को यहाँ से जा रहा था ना, कल मतलब अगला दिन, सो मैंने यहाँ पर ना भाई एक जो ट्राइडेंट वाले जॉम्बी होते हैं ना भाई, वो देखा यार यहाँ पे, लिटरली मैंने उसको निकलते हुए देखा भाई, उन्हें मेरे पे ट्राइडेंट तीन चार फेंक के मारे, बट मेरे पे सिर्फ एक ही लगा। सो यहीं कहीं आसपास ही वो रहता है भाई, पता नहीं मेरे को लग रहा है भाई इसके यहीं पर ना भाई कुछ है इनका।
सो देखो ये है भाई अपना स्टीव। सो मैं आप लोग को इधर चलकर दिखा देता हूँ। सो ये देखो भाई, ये है भाई अपना स्टीव। देख रहे हो मतलब कितना ज्यादा भाई प्यारा लग रहा है यार, अब लग रहा है भाई खतरनाक पूरा बनने के बाद। बट बनने से पहले आप लोग को कितना अजीब सा लग रहा होगा तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, एंड गाइस यहाँ पे मैंने देखो सोल सैंड का यूज कर लिया जो मेरे पे बची थी, क्योंकि काफी ज्यादा सही लग रही है सोल सैंड यहाँ पर लगी हुई। सो ऐसा ये कुछ लग रहा है। अरे यार मैं इसके नीचे से ये हटाना भूल गया यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं बाद में हटा दूंगा। वैसे इसके बिना इसके साथ भी काफी ज्यादा सही लग रहा है। सो कमेंट करके मेरे को आप लोग जरूर बताना कि आप लोग को ये वाला भाई स्टैचू कैसा लग रहा है। भाई देखो कितना ज्यादा सही लग रहा है भाई, सेम लग रहा है। बस अगर मैंने इसके ऊपर स्किन नहीं चढ़ाई होती तो भाई एकदम सेम लगते डिट्टो बिल्कुल। बट इसके हाथ में यार देखो तलवार भी बाद में बना दूंगा। सो इसको यार जब हम लोग अपग्रेड करेंगे ना, सो कमेंट करके मेरे को बताना इसको अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आप लोग मेरे स्टीव में देख रहे हो भाई, इसने तलवार पकड़ी एंड शील्ड पकड़ी हाथ में। सो मैं सोच रहा हूँ भाई इसके हाथ में भी मैं तलवार और शील्ड पकड़ा दूँ एंड इससे भी हम लोग जायंट बनाएं। सो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आपको ये वाला एपिसोड चाहिए कि नहीं चाहिए। बाकी मैं सोच रहा हूँ आयरन गोलम जो अपने बनाए थे ना डायमंड गोलम उधर पीछे, उसको भी यार मैं और ज़्यादा बड़ा कर दूँ। सो कमेंट करके मेरे को आप लोग जरूर बताना कि आप लोग को भाई वो वाले वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए अपग्रेड वाले। बाकी आज की वीडियो अगर आप लोग यहीं पर खत्म करते हैं, आई होप आप लोग को ये वाला एपिसोड भाई पसंद आया होगा। एंड अगर आप लोग ये वाला एपिसोड भाई पसंद आया हो ना तो भाई आप लोग को पता है ना क्या करना है, आप लोग को भाई वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल पर नहीं आ गए तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कि कल, सॉरी नेक्स्ट ब्लॉग में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, यार ब्लॉग की आदत हो गई ना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए देखो फिर मेरे मुझसे ब्लॉग निकल गया। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।